अभी वैसे टीचर्स कहाँ रहे? जो बिल्कुल यही तो हर एक पिता की आशा, हर एक पिता की अभिलाषा होती है, इसकी नहीं होती है, लेकिन उसका अपोजिट होता है। कुछ लोग तो कर लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन अपवाद तो सब जगह, अपवाद सब जगह, अपवाद तो होता ही है। मैंने एक इसके ऊपर डॉक्यूमेंट आर डी बर्मन को राहुल मुझे बहुत बड़ा कुछ हाँ, तो उनका पिताजी एक दफे अमित साहनी करके एक अनाउंस करता था ना, मैंने जब कलर फोटोग्राफी शुरू की थी तो सबसे पहले मैं तो बात कर दूँ बेटा अच्छा रहेगा, एक बल्ला बंद कर दो। तो मैंने जब अपनी लाइफ में पहली कलर रोल खींची तो मैं सर के पास आया कि आप भी फोटो खींचनी है, फिर सर ने टाई वाई लगा के सर की मस्त पोर्ट्रेट किया। सर जो है वैसे कॉमर्स पढ़ाते थे, लेकिन हम लोगों के बहुत आइडियल टीचर वर्क, द वे ही यूज टू ड्रेस, द वे ही यूज टू टॉक इन द क्लास। अभी सर मैं डब्ल्यूटी पढ़ाने जाता हूँ गेस्ट लेक्चर के तौर पे, तो मुझे आप लोग याद आते हैं कि कैसे आप पढ़ाते थे पूरे उसमें। हम लोग अब उतने डिवोटेड न लड़के रह गए हैं स्कूलों में और न टीचर रह गए। हम लोग चालीस मिनट के पीरियड में बैठते थे नहीं, चेयर भले ही रहता है, चेयर और टेबल रहता है ना हर क्लास में, लेकिन हम लोग बैठते नहीं, नहीं तो बोर्ड पर रहते थे या लड़कों के बीच में घूमते देखते रहते थे कौन कैसे कर रहा है, कौन समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा। मेन चीज़ देखिए ये है, हम नहीं तुम बात कर रहे हो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, तो नेचुरली वो डिस्टर्ब रहेगा तो डिस्टर्ब करेगा भी। तो हम लोग यही गेस करते थे, यही देखिए टीचर की क्वालिटी यही होनी चाहिए कि 40 लड़कों के या 35 लड़कों के क्लास में कौन आपकी भाषा को ग्रैप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, समझ पा रहा है नहीं पा रहा, उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहा ये जानना जरूरी है। उसको पूछने से दोनों बताएगा, अरे हाँ हाँ पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं क्या बता देगा। यही सबसे बड़ा खूबी होनी चाहिए टीचर में, जो समझ ले कि इस लड़के को क्या तकलीफ है, अंदर की क्या चीज़ ऐसी है जो इसको रोक रही है पढ़ने, यही मेन चीज़ होता था वो हम लोग करते थे। आपको लोग खाना पूर्ति करते हैं जाते हैं एक रात में कुर्सी पर जो बैठ गए तो 40 मिनट के बाद ही उठते हैं, नहीं तो उठते भी नहीं हैं, ब्लैक बोर्ड कभी छूटते नहीं क्योंकि खड़िया लग जाएगी, उठती है खड़िया हाथ में लगता है हाथ में पड़ता है, बहुत सी चीज़ें से। आपकी मुलाकात पहले कब हुई थी? पहले वही स्कूल में ही हुई थी, पहले वो पहले से टीचर थे। हाँ वो पहले से टीचर, सबसे पहले थे, अभी तो पहले रिटायर्ड नहीं हुए इसीलिए। हाँ हाँ नहीं मतलब ज्वाइन भी उन्होंने पहले किया। हाँ बहुत पहले ज्वाइन किया, बहुत पहले किया। तो आपका और बहुत ही आइडियल टीचर में उनकी गिनती होती थी। हाँ देखने में कचरे जरूर छोटे थे लाल बहादुर शास्त्री जी के तरह, लेकिन बहुत ही टेरिफिक थे और गणित पढ़ाते थे और सब विषय तो पढ़ाते थे। और हम लोग को क्या कहना है, आठ तक जूनियर स्कूल जो होता है उसके सेक्शन में सब विषय पढ़ाना पड़ता है, लेकिन वो जो नाइन्थ के बाद 11th तक 12th तक तो अपने एक सब्जेक्ट को पढ़ाना पड़ता है, वो उनको सभी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। हाँ मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, ट्रिग्नोमेट्री मेन, हाँ मेन मैथमेटिक्स। और कुछ एनेक्डोट बताइए जो हमें नहीं पता हो सर, या मैं बहुत छोटा था तो बहुत सारी चीज़ें जैसा आपने ऑब्जर्व किया होगा। हम लोगों को बहुत ही सिंपल ड्रेस में रहते थे, उसका ड्रेस समझिए गिना चुना था, वही प्राय चेंज हो जाता रहा, धुल जाता था बदल जाता था, अदरवाइज कोई परिवर्तन नहीं था। पहले छड़ी नहीं थी, बाद में छड़ी आई, छड़ी बहुत बाद में आई तो थोड़ा पैर से कमज़ोर हो गया, और पैदल आना जाना बहुत ज़्यादा था, वो प्राय अपने घर तक पैदल चले जाते, पैदल ही आते,
इसमें दो एक बात है, जो मथुरा प्रसाद अग्रवाल जी थे वो सोनिया से घर से पैदल ही डेली आते थे, हालांकि वो यंग थे, बुढ़े नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी वो शौक था कि पैदल चलते। जय किशन दास जी अभी भी टी वी थे। अच्छा। हाँ अभी भी हैं, लेकिन बहुत अशक्त हो गए हैं, बुढ़े पत्ते तो थे ही, यही है। आप कितने किलोमीटर? ये करीब औरंगाबाद नई सड़क होकर अंदर अंदर तक बीच हट पे रहता था, हमारा मकान ये गिर गया था, मुकदमा भी चल रहा। इस पर पूरे समय 10-15 साल इसका मुकदमा चला सर, 35 साल। और हम लोग मिलते थे तो हमेशा ये बात होती थी कि ये घर कब बनेगा, ये घर कब बनेगा। वो समय थे वो आते थे पहले मेरे घर, आते थे हम लोग चाय पीते थे, करते थे, वहाँ से गली गली भी घूमते थे ना हम लोग, उसमें वो किलोमीटर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही होगा, तभी उतना हो ही जाता था। और आशिक इसके आशू मासूक के कॉलोनी में रहते थे, वो कब्रे इसका मासूक है, उसी के नाम नहीं मकान था, दुनिया पर जो है ना फिलिगरी बाग के अपोजिट। हाँ अब वो छोटी गैबी के पास था। और सर ये लोग खूब थिएटर किया करते थे, थिएटर तो मत कम तो उस रोड पर तो कई लोग थे, पन्नालाल के लिए पन्नालाल सिदगिरी बाग में ही अभी तो मकान है, लेकिन उनकी भी अंतिम स्थिति गड़बड़ हो गई। सब लड़के जो है तो नया जनरेशन जो है ना, ये अपने पिता को ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया, यही गड़बड़ लगता है। अपने पढ़ते तो पन्ना लाल की भी आदत हो गई, मुकदमेबाजी और कई प्रॉपर्टी के लिए मकान बड़ा था। हाँ बड़ा मकान कई बेचारे बनाया किसने, और लड़ने के लिए तैयार हो गए, ये अच्छा नहीं लगता। अब अभी इसी मकान तुम्हारी हमने बनाया, हमारे लड़के इसके लिए हमेशा लड़े, कि कहाँ तक डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं, लेकिन होता होता यही हो रहा, सब जगह हो रहा, कुछ कहा नहीं जाता। नीलू लावा पीजी लावारिस के तरफ पड़े थे अस्पताल में, उनके बच्चे हैं, अभी बच्चा भी तो वो टीचर पढ़ाता था BHU में, और कलकत्ता में थिएटर करता था, ये था वो था, लेकिन वो लावारिस के तरफ पड़े वहाँ उड़ीसा आदमी उनके शौक के साथ। उनके बेटे का क्या नाम है? नाम भूल गया था हमारा, तो हम लोग जानते हैं। अरे बंगाली टोना पार्टी के सामने गली है। हाँ, हाँ। एक तो स्टिल कर लो, एंगल चेंज करती थी। हाँ फेसबुक।